वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं श्रापित मंदिर जो मणिकर्णिका घाट पर स्थित है काशी करोट के नाम से, उसको आज हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे किस तरह क्या है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संदीप ब्लॉग में और आपको दिखाने वाले हैं श्रापित मंदिर मणिकर्णिका घाट का काशी करोट जो 9% तक झुकी हुई है। और ये देखिए किस तरह की डिजाइनें वगैरह इसकी बनाई गई हैं और कितना सुंदर मंदिर को बनाया गया है। पर श्रापित होने के कारण यहाँ पे कोई पूजा पाठ नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ जो इन्होंने बनाया था रानी अहिल्याबाई ने बनाने के बाद अपनी दासी को दिया था, लेकिन दासी को ये कहा था कि आप इस मंदिर का नाम अपने नाम से नहीं रखेंगे, देखिए पूरे नीचे का, जिसके कारण वो है अहिल्याबाई ने मंदिर का नाम रत्नाबाई रख दिया था, जिसके कारण जो है मंदिर को श्रापित मिला। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पे पूजा पाठ नहीं किया जाता है। यहाँ देखिए किस तरह के मंदिर बने हुए हैं और आपको पूरा दिखाते हैं। ये देखिए पूरे के पूरे मंदिर के नज़ारे को, ये देखिए कितना सुंदर, कितनी लंबी, देखिए पूरी की पूरी मंदिर धसी हुई है श्रापित होने के कारण। ये आप देख रहे हैं और किस तरह के यहाँ जो है यहाँ की सफाई की जा रही है, इस वक्त देख रहे हैं आप किस तरह का हो रहा है सफाई वगैरह। और ये पाइप के द्वारा निकाला जा रहा है इसलिए कि क्योंकि जो यहाँ के पानी जो है यहाँ की गंदगी जो मिलकर गंगा जी में चली जा सके, वहाँ आप देख सकते हैं। और आपको अंदर की तरफ की भी ले चलते हैं जहाँ पे मंदिर है उसको भी दिखाते हैं। देखिए पूरी की पूरी एरिया को जो है धसी हुई है पूरी मंदिर। ये देखिए सामने जो फाटक है वहाँ भी आपको ले चलते हैं। ये देखिए ये साइड में ये फाटक है, फाटक भी जो है मंदिर ये भी धसी हुई है अंदर की तरफ, जो श्रापित है, जो काफ़ी 300 साल पुराना ये मंदिर है। और ये देखिए यहाँ पर कोई पूजा पाठ नहीं किया जाता है और हमेशा ये हमेशा धरती के नीचे रहता है। ये देखिए धरती के एकदम नीचे जमा रहता है। यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं पूरा किस तरह का बना हुआ है। और ये देखिए पूरा का पूरा देखिए पानी के अंदर धस चुके हैं ये पूरे के पूरे। देखिए हर स्तंभ पत्थर वगैरह भी आपको देखेंगे, ये पूरे के पूरे स्तंभ देखिए किस तरह धंसा हुआ है। तो माना गया है कि मणिकर्णिका घाट पर जो काशी करवट है इस तरह इसको श्रापित मिला है। दोस्तों पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो बहुत से लोगों को जानकारी मिल सके।